नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना पड़ेगा, मैं और मैं हूँ आपके साथ मेघा कौशिक। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टियां फिर से सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई हैं। हर वर्ग साधने की जद्दोजहद जारी कर रहा है और इसी बीच गहलोत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए अब गहलोत सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी की है और इसके जरिए स्टूडेंट्स को करीब 60,000 रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। फीस में छूट का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। ये छूट ओबीसी और एमबीसी वर्ग के उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, यानी अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अब इस फैसले को हरी झंडी मिलते ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सीधा फायदा मिलेगा और आज चर्चा इसी मुद्दे पर। करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता हैं, तो वहीं डॉक्टर अमित यादव पूर्व अध्यक्ष जाट से भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, आपसे ही सवाल, और क्योंकि आज जवाब तो देना पड़ेगा इसी पर है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, तो इसी पर जवाब दीजिए कि क्या इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाए। देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो आप लोग कह रहे हैं लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। राजस्थान सरकार की जो नीति पिछले 4 साल से चली आ रही है, जो आम जन को उसका फायदा, सरकार का फायदा होने की जो नीति है, उसी के तहत ये फैसला एक डिपार्टमेंट ने लिया है। अब कैबिनेट में वो भेजा है, कैबिनेट उसको मंजूर करती है या नहीं करती है वो कैबिनेट के ऊपर है। अगर कैबिनेट में मंजूर हो जाता है तो मुझे लगता है एमबीसी और ओबीसी के जो स्टूडेंट सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको जो उनकी ट्यूशन फीस है जो लगभग 60-70 हज़ार रुपये जो सालाना आती है उसमें उनको छूट मिलेगी। एमबीसी वर्ग जो है इसकी मांग सर 2021 से कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था इसका एमबीसी मांग, और अभी पिछले दिनों में जब गुजर कुछ अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले थे और अलग अलग जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनसे मिले थे तो उन्होंने इस मांग को दोहराया था और उस मांग को चिकित्सा विभाग ने मानते हुए उसका एक मेमो तैयार किया और वो कैबिनेट के पास सिफारिश के तौर पर भेज दिया गया। अच्छा, लेकिन उस वक्त तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें महिलाओं के लिए, एससी एसटी, उनके लिए तो ये फ्री था। बिल्कुल, ये पहले से एससी एसटी या आप महिलाओं की बात करेंगे तो उसके अंदर पहले से ही है। इसी की तर्ज पर जो गुजर समाज है वो पिछले दिनों कुछ मांग कर रहा था और अन्य समाज भी जो ओबीसी या एनबीसी से लेकर के थे तो वो अलग अलग मंत्रियों से मिले तो चिकित्सा विभाग ने अब ये तय किया है कि इसको हम लोगों को ट्यूशन फीस में कमी करनी चाहिए या माफ करनी चाहिए, तो उसको सिफारिश कैबिनेट को भेज दी गई है। ठीक है, डॉक्टर अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रिएक्शन दे सबसे पहले आप अपना। मेघा जी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे सरकार के ऐसे आदेशों पर मेरे को हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। मैं एक ऐसे पैसे से आता हूँ जहाँ पर बीमारी और इलाज मरीज की जाति को देख के नहीं आती है, जहाँ पर एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को उसकी जाति के आधार पर नहीं पढ़ाता है। मैंने आज दिन तक ऐसा कोई अस्पताल नहीं देखा है जो जाति के आधार पर मरीजों का इलाज करता है। जहाँ पर हम एक तरफ सरकार की ये एक तरीके से दोहरापन या दोगलापन नीति जिसे कह सकते हैं, मैं आपको बताऊँ मैम, 2017 में SMS मेडिकल कॉलेज की MBBS की फीस 5,000 रुपये थी, वो आज 2022-23 में 1,47,000 हो चुकी है। एक तरफ से तो सरकार ये से फीस बढ़ाती है, इतनी 40% तक की बढ़ोतरी कर रखी है, दूसरी तरफ अपने एक अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक कुछ जाति विशेष के वर्गों की फीस कम कर दी जाती है। अगर आप सरकार इतने बैनर लगाती है कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, चिकित्सा फ्री कर रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं लागू करते? आप सब कुछ फ्री कीजिए ना, फिर आप कुछ लोगों पे तो आप उसका भार पटकना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का फ्री कर रहे हैं। ऐसे में होता है क्या है, जब आप हमारा जो मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट्स के बीच में जो एक नकारात्मक माहौल बनता है, उससे निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी, और जो अभी वर्तमान में हम जैसे जो युवा, आज की तारीख में 50% से अधिक हिंदुस्तान की जनता युवा पीढ़ी है,
आप ये देखिए कि हम जहाँ पर एक जाति के आधार पर जो उसको समाप्त करने की बजाय उसमें हम उसके अंदर और घुसे जा रहे हैं। आप इसका जवाब देते, उसके बाद हमारे दो और गेस्ट जुड़ गए, पंकज मीणा बीजेपी नेता और विजय बैसला जी अध्यक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। देखिए मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो कंटिन्यू रखा जाएगा, तो उसकी तरफ से हम लोग पहले से ही जो विदेश भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम लोग उनको फीस माफ कर रहे हैं, उनकी पूरी ट्यूशन अगर वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं 8 लाख रुपए से अगर उनकी जो परिवार की इनकम कम है तो विदेश अगर जाते हैं उनका जाने का आने का फीस का पूरा सारा खर्चा राजस्थान सरकार दे रही है और 260 से ज्यादा छात्र अभी विदेश में पढ़ रहे हैं। तो हम राजस्थान सरकार की नीति जो है के लिए पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा, वो क्यों सारा वहन करें? नहीं, वो कहां वहन, मैंने अभी कहा कि ओबीसी और एमबीसी को इसके लिए लिया गया है क्योंकि उनकी कुछ मांग आई थी, अगर ईडब्ल्यूएस की तरफ से भी कुछ मांग आएगी तो सरकार निश्चित ही उसके ऊपर सोच विचार करके उनको भी इसका लाभ देने का काम करेगी। पंकज जी, मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं? देखिए गहलोत साहब की जो स्थिति है राजस्थान में, जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनको देख के मुझे नहीं लगता कि इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। मास्टर स्ट्रोक तो आप किसी भी बात को कह दीजिए, हर तीसरे दिन गहलोत जी की तरफ से बयान आता है, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड मीडिया के द्वारा कहा जाता है ये मास्टर स्ट्रोक है। परंतु गहलोत जी के 4 सालों के कर्मों का परिणाम जो राजस्थान की जनता भुगत रही है और जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में जनता में आक्रोश है, मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस की विदाई का समय है और आने वाले जो साल भर बचा है पर उसमें इस प्रकार की मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं कह सकते इसको, क्यों नहीं आने वाले 8-10 महीने में आपको इस तरह की घोषणा है, इसको सही नहीं मान रहे आप फिर? नहीं देखिए, सही मानने ना मानने वाली बात नहीं है, आने वाले 8-10 महीने के अंदर आपको इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं सुनाई देंगी। जो ये अब फैसला होगा क्या इसे आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या नहीं, या फिर इसे मानते हैं कि ये सही है या नहीं? नहीं देखिए, सही गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ, सही गलत का फैसला लोकतंत्र के जनता करती है, परंतु जितने निर्णय लोग गहलोत साहब के द्वारा लिए जा रहे हैं वो जब निर्णय धरातल पे आते ही नहीं है तो उनका उन निर्णयों का क्या करें और उनको मास्टर स्ट्रोक कह के कैसे तारीफ ली जा सकती है, कैसे वाहवाही बटोरी जा सकती है, मैं इस बात का सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर इनको वास्तव में जनता के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में क्योंकि हमदर्दी है, तो जो विषय 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग पड़े हैं उनको क्यों लटकाए बैठे थे, क्यों अब तक उनके ऊपर निर्णय क्यों नहीं कर रहे थे और क्यों अब उनको लग रहा है कि हाँ जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक जा रहे हैं और मेरा अस्तित्व खतरे में आ रहा है तब आप रोजाना कोई ऐसी इस प्रकार का लॉलीपॉप थमाकर उसको मास्टर स्ट्रोक घोषित करने की कोशिश करें, ये संभव नहीं है। राजस्थान की जनता सब जानती है, देखिए लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, हमको आजाद हुए 75 साल हो गए और वो जमाने गए जब कांग्रेस इस प्रकार के मास्टर स्ट्रोक के लॉलीपॉप दिया करती थी और उनसे जनता को बरगलाया करती थी। ठीक है सर, प्रतीक जी से इसका जवाब लेंगे, विजय बैसला जी मौजूद है। विजय जी, आप 2021 3 अक्टूबर को आपने ये ट्वीट किया था और कहा था कि जो ये मांग है वो पूरी होनी चाहिए, हमको भी छूट मिलनी चाहिए, अब ये आपकी मांग पूरी हो गई? मैडम डेट थी 3 अक्टूबर 2022 जी और 30 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन निकला था जिसके अंदर अब मैं कंफ्यूजन जो हो रहा है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों। नोटिफिकेशन में लिखा था एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड ऑल गर्ल्स, सारी महिलाओं को ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। उसके साथ ये भी लिखा था कि हर साल 5% फीस में वृद्धि भी की जाएगी। ये सारी चीजें भी हैं उसमें, कंडीशनल्स हैं। जब हमने पता करा कि भैया ओबीसी और एमबीसी इसके अंदर क्यों नहीं है तो ये पता चला कि जब कैबिनेट नोट गया तो त्रुटिवश छूट गया। ठीक है, हमने वो करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, करेक्शन हुआ नहीं, फिर हमने राहुल जी की यात्रा रोकी और उसके बाद जब मीटिंग चली तो ये हमारा एक पेन पॉइंट रहा कि जब आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और सारी लड़कियों को ये छूट दे रहे हो तो ओबीसी और एमबीसी के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, इनका भी तो बनता ही है। और आप ये देखिए जो छूट का वैल्यू है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 60,800 रुपए है। 60,800 रुपए कुल मिलाकर के 3 लाख और कुछ हजार रुपए होते हैं, 4 साल 6 महीने का है। 3 लाख, हाँ। तो इसमें इतनी इश्यू करने वाली क्या बात है? अगर किसी से मिसप्रिंट हो गया और अगर सरकार उसको करेक्ट कर रही है तो इसमें इतना बखेड़ा करने वाली क्या बात है? हमें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ये समझिए कि आज की डेट में जो नीट में जो बच्चे लग रहे हैं उसमें से कम 60% ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा बेनिफिट जिनकी जो पहली बात तो जो सरकारी में होंगे, दूसरी बात वो व्यक्ति जो जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है इनकम टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से। तो वेयर इज द इशू? देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। फालतू में इसको इशू क्यों बना रहे हैं? हाँ, इशू इस बात का बनना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन अभी निकलेगा तो क्या वो 30 सितंबर की डेट से बैकडेटेड चलेगा, क्योंकि
एडमिशन हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सत्र शुरू हो चुका है। अच्छा, तो वो एक साल वाले बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज अ बिगर बोन ऑफ कंटेंशन। प्रतीक जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पंकज जी, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि ये आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, आपने इस बात को घुमा दिया कि सरकार काम नहीं कर रही है, क्या आप ये तो मान रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो यह वहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो ये एक राहत है? देखिए, धरातल पर लागू हो तो राहत कह सकते हैं, परंतु मैं बार बार आपको इसलिए डिनाई इसलिए कर रहा हूँ, इसको लॉलीपॉप इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपको गहलोत जी द्वारा दो ही घोषणाएं जो अलग अलग क्षेत्र में की गई, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कोरोना टाइम के अंदर जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनकी फीस रीएम्बर्स करने के लिए उन्होंने कहा था, आज तक हुई क्या? मैं प्रतीक जी से जानना चाहूंगा। दूसरी बात, एक एजुकेशन और मेडिकल से इतर मैं आपको घोषणा बताता हूँ। गहलोत साहब ने घोषणा करी थी कि किसानों को रात में बिजली नहीं मिलेगी सर्दी के टाइम पे। सर, क्या किसानों को रात में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? मैं दो अलग अलग दिशा में आपको बता रहा हूँ। ये घोषणाएं ऐसी है जो गहलोत जी वाहवाही लूटने के लिए कर चुके हैं अलग अलग क्षेत्र की, और जो जिनको मास्टर स्ट्रोक बताया गया आज तक धरातल पर लागू नहीं हुई। तो मैं इस बात से मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप सहमत हैं, आपको आप इससे सराहना करते हैं या नहीं करते हैं, सहमत हैं या नहीं, उसका जवाब दीजिए ना। पहले इसको धरातल पर लागू होने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार के मास्टर स्ट्रोक जैसे बयान जारी करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रतीक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद ये विजय जी इस बात से, मीणा जी जो मानेंगे नहीं इस बात से कि क्या क्या इसको सही मास्टर स्ट्रोक बोला जाए नहीं बोला जाए। विजय जी ने जैसे अभी बताया कि अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर महिला एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को पहले से ही छूट दे दी गई है, और तृतीयवश वो छूट गया था, तो वो अब कैबिनेट में चला गया, वो भी मिल जाएगी। और रही बात जनता ने नकारने की, तो आप देखिए जितने उपचुनाव हुए सब कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जनता इनकी, हमारी जितनी पॉलिसी थी, चाहे चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, चाहे और योजना की बात कर लीजिए, सब पे जनता ने मोहर लगाई है और हमको लगातार उपचुनाव जिताए। अभी एक लेटेस्ट एक उपचुनाव हुआ था सरदार शहर में, उसमें देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और पहले से ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने जीती है। और फिर यही सारी कांग्रेस की जो नीति है, जो आम जन को राहत पहुंचाने की नीति है, चाहे मुख्यमंत्री जी अभी अनाउंस भी कर चुके हैं कि जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो बीजेपी राज में जो 1200-1100 रुपए पहुंच चुका है, उसको हम जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उसको 500 रुपए में देंगे। तो यही सब नीतियों की वजह से 2023 में जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी वहां पे 150 से ज्यादा सीटें जीत करके चुनाव अपने सरकार बनाने जा रही है। की बात हो रही है, देखिए जब आप मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया है, अब विजय बैसला जी कह रहे हैं कि आपने ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया होगा, लेकिन बैक डेट से वो मांग कर रहे थे कि बैक डेट से जो है इसको लागू किया जाए, क्योंकि जो सत्र शुरू हो चुका है उन बच्चों को भी तो फायदा मिले। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति रही है वो किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, वो नीति हमेशा से रही है, और विजय बैसला जी की जो मांग है उसको मानी जाएगी और उसको पीछे से हम लोग लागू करने की कोशिश करें। कैबिनेट के पास में गए, कैबिनेट उस मसौदे के ऊपर सिग्नेचर कर देगा, जब नोटिफिकेशन आएगा सबको पता लग जाएगा। ठीक है अमित जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर भी वहन आता है, जो क्रीमी लेयर होता है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो गरीब तबका है या जो ये वहन नहीं करते हैं, वहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है ना, उनके लिए तो राहत देखते हैं आप? बिल्कुल, उनके लिए राहत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उन्हीं को, क्यों सबको ही राहत दीजिए ना। जब आप बैनर लगा रखे हैं, सरकार इतने बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं कि हम चिकित्सा और शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, चिरंजीव के थ्रू इतना सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे उनको क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके साथ? आप सब कुछ फ्री कीजिए ना। फिर आप प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर रखे हो, तो आप ये यूजी लेवल की एजुकेशन फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? इससे होगा क्या, मैं आपको बता दूं मेघा जी, केवल और केवल कार्यस्थल पे नकारात्मकता का माहौल बनेगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि, और बहुत ही अफसोस और शर्मिंदगी के साथ, कि ये चीज़ें आपस में जातिवाद को कम नहीं करती है, बढ़ाती है। इसका एग्जांपल यह है कि आज भी राजस्थान के कुछ मेडिकल कॉलेजों में, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं इस चैनल पर बता रहा हूँ, कुछ मेडिकल कॉलेजों में जाति के आधार पर मेस का आवंटन हो रखा है। स्पेशली जैसे अजमेर मेडिकल कॉलेज हो गया, उदयपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे कैटेगरी वाइज मेसेज आवंटित है। आप सोचो, हम एक ऐसे वर्ग स्थल पर आज ऐसे चिकित्सीय पेशे में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे दोस्त जो भी आपस में, वो कैटेगरी वाइज अपनी मेस में जाते हैं, साथ में बैठ के नहीं खाना खाते हैं वो। ये राजनीतिक, एक अल्पकालिक राजनीतिक के लिए ये फायदेमंद निश्चित तौर पे होगी, लेकिन देश का भविष्य आने वाले टाइम पे ऐसे आदेशों पे तालिक पोथेगा, ये मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा। प्रतीक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको निश्चित ही इस बात का लाभ मिलना चाहिए। चाहे आप चिरंजीवी की भी जैसे आप बात कर रहे थे कि सबको जब शिक्षा या चिकित्सा फ्री में मिल रही है, तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके जो 850 रुपये वो सरकार वहन करती है, और जो उससे ऊपर है उसको, उनको खुद को कराना पड़ता है। तो बात वही है, ये सिर्फ एक फाइनेंस की बात है, जो नहीं वहन कर सकता, जिसकी जेब में, जिसकी पॉकेट में पैसे नहीं है, उनकी सहायता करने की बात हो रही है। इसमें कोई जाति, धर्म, कोई समुदाय देख करके किसी भी तरीके की बात नहीं की जाती। MBC OBC की बात करेंगे तो
मेरे ख्याल में 150 किसी के आसपास जातियां उसके अंदर आती है, तो कोई जाति विशेष के लिए नहीं किया गया, ये तो एक सेक्शन के लिए, सेक्शन के लिए कम होगा तो पहले ही हो चुका है। SC ST महिला EBC वो पहले और EWS पहले से मेंशन है, OBC और MBC उसके अंदर, OBC और MBC कोई जात है ही नहीं। जी आप लगातार इसको लेके मांग उठाते रहे, अब आप बैक डेट की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी ड्राफ्ट तो सामने है नहीं, लेकिन अगर बैक डेट से इसका उसको नहीं लिया जाता है फिर क्या होगा? We'll cross the bridge. अभी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब कह रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट अभी मेरे को सुनने में आई, मेरे को हंसी आ रही है। एक्चुअली क्या है कि दुनिया में सब कुछ बराबर नहीं होता, और अगर यही इम्पैरिटी और इम्पैरिटी की बात अगर आप कर रहे हैं तो घर में खाना क्यों बनाते सबके सब, अक्षय पात्र में जाकर खाना खाओ ना यार, वो तो सस्ता खाना है, अपने घर में रोटी क्यों बनाते हो, क्यों जाके रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो सबके सब? बिकॉज एवरीबडी हैज अ सर्टेन डिस्पोजेबल इनकम, बेसिस दैट डिस्पोजेबल इनकम दे हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, एंड बेसिस द लाइफस्टाइल यू गेट द बेनिफिट। आप सबके सब सरकारी कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों पढ़ रहे हो भाई, बंद करो ना पढ़ना। इसलिए कह रहा हूं कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं कमजोर वर्ग के लिए वो उन्हीं के लिए होते हैं, ये बात अलग है कि कुछ लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं, दैट इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन, लेकिन एट द बॉटम लाइन अगर आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप ऊपर उठा के ला रहे हो, गरीबों को ऊपर उठा के ला रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और जो सशक्त हैं उनको तो कुछ और समर्थ दे देना चाहिए कि भाई तुम हमसे 2000 रुपए और ले लो और अच्छे बन लो, दैट इज वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि MBC समाज ने ये बात उठाई है और ये झगड़ा किया है, ये केवल MBC के लिए नहीं किया है, OBC के बच्चों के लिए किया है, पूरे युवाओं के लिए किया है। नॉट ओनली दैट, OBC और MBC दोनों के लिए बैकलॉग इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, जो आज तक पिछले 75 साल में राजस्थान में हुआ नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हमको हर एक कॉन्वर्सेशन, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक संस्थान हो, हमको हर चीज आने वाले युवाओं को भविष्य को देख करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति आज ये डिसीजंस बना रहा है उसकी उम्र औसतन 55 से 60 साल होती है, और 55 से 60 साल वाले व्यक्ति का तो वैसे भी लाइफस्टाइल खत्म होने वाला होता है। ही हैज टू डू एंड वी ऑल हैव टू डू समथिंग फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द यूथ, और जो गरीब यूथ है उसको हम आगे उठाएंगे, बिकॉज लुक एट द पैरिटी। अगर आप पिरामिडल, मेरी बात सुनिए, स्वागत ठीक है हो रहा है पंकज जी, आप कह रहे थे हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप इससे सहमत हैं तो आपने इसे पहले क्यों नहीं उठाया, ये तो मांग पहले भी की जा रही थी। देखिए मांग की जा रही थी तो मैं प्रतीक जी से जानना चाहूंगा कि 4 साल किसका इंतजार कर रहे थे, मतलब MBC की मांग, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगे लगातार कई सालों से पेंडिंग चलती आ रही है, आप उसको किस दिन का इंतजार कर रहे थे? मेगा जी मैं एक एक्चुअली आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बात करते हैं, ये निर्णय आज क्यों हो रहा है? क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीतिक स्थितियां हैं उसको देख के हो रहा है? क्या अब इनके PCC के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो जब अब आज सड़कों पर निकलना शुरू हैं, उन्होंने सभाएं करना शुरू की है, किसान सम्मेलन करने शुरू किए हैं, उसको देखते हुए निर्णय हुआ है? तो ये सब ये सारी चीजें जब परिस्थितियों को हम गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं इस निर्णय पर हमको अपने आप ही शक होने लगता है और अपने आप इसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, जो कि स्वाभाविक है। पिछले 4 साल से कांग्रेस के अंदर जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो व्यक्ति को ऊपर नीचा दिखाने का जो झगड़ा चल रहा है, और व्यक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं समाजों को भी ऊपर नीचा दिखाने का झगड़ा चल रहा है, ये कांग्रेस में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जिस प्रकार से गहलोत जी अभी 10 दिन पहले वहाँ धौलपुर में कहाँ पे एक सभा में बोले थे कि मैं तो देखो सातों कौम का नेता हूँ, वो उन्होंने फिर सातों कौम का नेता बोलते बोलते 2 जातियों के नाम भी लिए, वो क्या था? इस सब चीज़ों को गौर करने की जो आवश्यकता है। मुझे लगता है कि पंकज जी शायद इस स्थिति में नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि जनता को भी कुछ बोलना है। और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी दोनों ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम सब मिलजुल करके अगर वो कोई यात्रा करने जा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी कोई यात्रा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए करते हैं, क्योंकि 2023 के अंदर ये दोबारा से चुनाव है, और मैं फिर बता रहा हूँ, हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से और मिले जुले जो एफर्ट चाहे सचिन पायलट जी के, चाहे मुख्यमंत्री जी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी के, उससे हम 150 से ज्यादा सीटें जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे 2023 के अंदर। ठीक है प्रतीक जी, लेकिन 2021 से बात हो रही है, शायद बैसला जी आप शायद 2021 से इसको लेकर बात कर रहे हैं, 2022 से शुरुआत कर रहे हैं, इतना वक्त क्यों लगा?
2022 में जैसे अभी बैसला जी ने बताया था कि जो नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया था तो त्रुटि वजह उसमें रह गया था, तो वो सुधार कर लिया गया। अब सुधार करने के साथ में अब वो मसौदा आ जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार की ये कोशिश रहती है कि किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को, किसी भी तरीके को उसका नुकसान नहीं। मसौदा तैयार करके मांग की गई थी कि हमारा ये जो ये मुद्दा है इसमें भी फीस, बिल्कुल बिल्कुल मांग की गई थी, तो मांग मान ली गई है ना। अब उसको कैबिनेट में भेज दिया गया और वो कैबिनेट के अंदर मेरे को लगता है कि जल्द से जल्द क्यों करनी पड़ी, अगर त्रुटि थी तो फिर मांग नहीं करनी पड़ती। वो बात सही है, लेकिन अगर मांग की तो हमने मांग को मान लिया है और कैबिनेट में गया है और जो पुराना बैकलॉग है उसको भी क्लियर करके राजस्थान सरकार कभी भी, या माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा रहती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, तो किसी भी छात्र का, किसी भी युवा का कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई पूरी राजस्थान सरकार करेगी। ठीक है पंकज जी, लगातार अब ये तो कह रहे हैं प्रतीक जी की भरपाई कर ली जाएगी और अब लगातार युवाओं के लिए भी बात हो रही है, बजट में भी अब युवाओं की बात होगी, तो ये तो आप मानिए कि सरकार जो है लगातार कर रही है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, युवाओं के लिए बात हो, बेरोजगारों के लिए बात हो, लगातार काम कर रही है। देखिए आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि युवाओं की बात होगी, ये केवल बात ही होगी, युवाओं का भला नहीं होगा, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ तक प्रतीक जी कह रहे हैं भरपाई करेंगे, तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से प्रतीक जी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा। अभी आपने 3 दिन पहले जयपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करी, क्या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 1000 बच्चों की फीस की भरपाई होगी? ये मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा। आपने जिस तरीके से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को तोड़ा, जो कि कोचिंग उस इंस्टीट्यूट उस आरोपी का नहीं था, उस आरोपी ने किराए पर ले रखा था, उसको आपने नाजायज तरीके से तोड़ा, और तोड़ने के बाद में जो 1000 बच्चे जिन्होंने 70,000 से लेके 1,00,000 रुपए फीस दे रखी है, उसकी क्या भरपाई होगी? ये प्रतीक जी चैनल के माध्यम से अभी सबको बता दें। देखिए मुझे लगता है कि पंकज जी सवाल हमसे तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद की पार्टी से सवाल नहीं करते हैं। मैं बता मैं वही, अरे पंकज जी सुनिए तो सही, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप तो मत बोलिए। सरकार से हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। 2012-13-14 के अंदर जब नरेंद्र मोदी गाना गाते घूम रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे, उसका क्या हुआ? 17 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे 9 साल के अंदर। संसद में रिपोर्ट पेश होती है, पता लगता है 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, नौकरी दी 7.5 लाख लोगों को। तो आपके वादे का क्या हुआ जो 9 साल पुराना था, जब गाना गाते घूम रहे थे? और इसी वजह से आप देखिए पूरे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे आप रूरल बेरोजगारी की बात करिए, चाहे अर्बन बेरोजगारी की बात करिए। हरियाणा जो हब हुआ करता था दुनिया के अंदर, जहां पे बेरोजगारी दर मात्र पॉइंटों में थी, आज 37-38% वहां बेरोजगारी दर पहुंच गई है। तो आप वादा खिलाफी केंद्र सरकार करती है, पहले तो आप उसका जवाब दीजिए मुझे। आपकी गलत फहमी है, अभी सीएम आई की रिपोर्ट देखिए 37% है और उसके बाद में केंद्र सरकार कह रही है, ये तो राजस्थान के बेरोजगारी दर 28% है। एक सेकंड और अब एक, ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए सर। प्रतीक जी और क्लोजिंग कमेंट आपसे विजय बैसला जी चाहेंगे। हाँ मैं बिल्कुल एक बहुत सच्चा और स्टेटमेंट देता हूँ आपको। हाँ बात ये है कि ये पूरी जो कवायद ये पॉलिटिक्स की हो रही है और मास्टर स्ट्रोक की हो रही है ना, मास्टर स्ट्रोक तो ये है कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभा में से 75 विधानसभाएं, 37% विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है, ये हमने खुलकर के सबको बता दिया, ये है मास्टर स्ट्रोक। और अब सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इस कवायद में लगेंगी कि इनको कैसे साधा जाए, क्योंकि अगर ये 37% इधर के उधर हो गए तो सारे समीकरण बदलेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, और अब जब ये प्रस्ताव जाता है और मंजूरी मिल जाती है तो ये वाकई में बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का हमारे इस चर्चा का विषय का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।